दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा भाई दीपक राम। दोस्तों UPSC से पेट का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है, चार पालियों में 2 दिन में पेपर हुआ था और कल हम आपके सामने लाइव आए थे किस प्रकार से पेपर को घुमाया गया और जो लेवल था पेपर का उसको लेकर छात्रों में काफ़ी आक्रोश है कि ये पेट का लेवल हो ही नहीं सकता है, UPSC लेवल से भी बढ़कर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और एक प्रश्न जो सुर्खियों में है ना, जब मैं लाइव था एक छात्र कमेंट कर रहा था तो मैंने सोचा कि ऐसे ही वो कमेंट कर रहा था तो मैं ये उसके कमेंट को पढ़ भी नहीं पा रहा था कि भाई कैसे मैं पढ़ूं सार्वजनिक मंच से। लेकिन बाद में ये पता चला कि ये UPSC पेट का 28 अक्टूबर की सेकंड शिफ्ट में एक क्वेश्चन था, ये पेपर है और इस क्वेश्चन में देखिए 31 नंबर पर ये क्वेश्चन है और मेरे ख्याल से क्वेश्चन इंडियन नेशनल मूवमेंट का क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें ये कहा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के निम्नलिखित घटनाओं को उनको घटित होने के वर्ष से मिलाइए। तो यहाँ पर देखिए तीन क्वेश्चन तो ठीक है अपने आप में कि बारदोली किसान आंदोलन, बारदोली सत्याग्रह और यहाँ पर सरदार की उपाधि अगर देखा जाए तो पटेल जी को मिली, महात्मा गांधी ने नोआखली की यात्रा किया, गांधी जी ने लंगोटी पहनना शुरू किया, यहाँ पर आप ये तीसरा प्रश्न है। चौथा प्रश्न अपने आप में सही है, अहमदा मिल मजदूर हड़ताल, क्योंकि गांधी जी 1917 में चंपारण और फिर उसके बाद 1918 देखा जाए तो 18 में इन्होंने क्या क्या था, अहमदा मिल मजदूरों की हड़ताल, प्लेग बोनस, इस पर लेकर, और ये सब हम लोग आप लोग को पढ़ाते रहते हैं कि ये सब इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोगों ने कभी ये जिक्र कर दिया होता कि भाई गांधी जी ने लंगोटी पहनना शुरू कर दिया है और इन्होंने इस समय लंगोट पहना था तो आप में से कई छात्र यहाँ पर कहते हैं कि टीचर कैसे वाहियात प्रश्नों को टीचर पढ़ा रहे हैं, टीचर बहुत ही वल्गर हैं, ये लंगोट की बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आयोग ने ये प्रश्न पूछा है और आयोग का गांधी जी की लंगोट पहनने से भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में क्या योगदान रहा, ये किसी को भी नहीं समझ में आया। बड़े बड़े सिविल सर्विसेज एग्जाम तैयारी कराने वाले जो भी टीचर्स हैं, पढ़ने वाले छात्र हैं, इस प्रश्न को देखकर, और ये प्रश्न एक इंटरनेशनल मेरे ख्याल से एक मुद्दा बन चुका है कि ये क्या प्रश्न पूछा गया था। हालांकि जब इसका पता लगाया गया तो ये बात हुई थी, गांधी जी जब अफ्रीका से आए थे तो उन्होंने जब ये हुआ, और इसका जो सही जवाब है यहाँ पर देखा जाए तो पहली बात तो इसका गूगल में भी आपको आंसर नहीं मिलता जब आप पेपर दे के आते, लेकिन इसके बाद जब रिसर्च करके जब वेबसाइट पर अपडेट किया गया तो आंसर मिला कि भैया 1921 में, और ये भी जिक्र देखने को मिला कि गांधी जी ने धोती पहना, उसको अंग्रेज लंगोट के नाम से जानते थे, है ना, कहते पुकारते थे। तो ये प्रश्न ये हो सकता था गांधी जी ने धोती पहनना कब शुरू किया, तो बात समझ में आती है। लेकिन इस तरीके के प्रश्नों को घुमाकर, और जब आप ऐसे प्रश्नों को एग्जाम में देखते हैं भाई तो आपको पढ़कर हंसी भी आएगी और आप अपना माथा भी पीटेंगे कि भाई ये क्या मजाक है ना, ये क्या मजाक है। तो इस प्रश्न को लेकर काफ़ी छात्रों ने यहाँ पर अपने तरीके से यहाँ पर व्यू दिया है, उसी को मैं थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में आपको दिखाना चाहता हूँ। हालांकि देखिए इस प्रश्न का जो सही जवाब है, बारदोली में किसान आंदोलन जो हुआ था, गांधी जी ने जो बारदोली में यहाँ पर किसान आंदोलन किया था वो आपका 1928 था, ठीक है, और महात्मा गांधी ने नोआखली की यात्रा ये किया था 1946 में, अहमदाबाद में मिल मजदूरों की 1918 है, और लंगोटी पहनना, जब तीन ऑप्शन आप लगा चुके होते हैं कि भाई बारदोली किसान आंदोलन 28 है, ठीक है, नोआखली 1946 है, अहमदाबाद मिल मजदूर 18 है, तो आप जाहिर सी बात है इस प्रश्न का भी जवाब दे पाएंगे। लेकिन ये प्रश्न क्या एग्जाम में पूछे जाने योग्य प्रश्न है, इसका महत्व क्या है, जनरल नॉलेज से क्या क्वेश्चन इसका बनता है कि गांधी जी के लंगोट से क्या क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, तो ये बहुत ही कह सकते हैं कि अपने आप में ये जो पेपर का लेवल है ऐसे ही चारों शिफ्ट के पेपर का लेवल है। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम आपके कमेंट भी पढ़ना चाहेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों कल मैं लाइव आया था आपके सामने और आप देख सकते हैं कि इस वीडियो में मैंने बताया था कि छात्रों के साथ कैसे धोखा किया गया है, बताया कुछ गया और किया कुछ गया, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर हम कमेंट सेक्शन की बात करते हैं, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट आप देख सकते हैं कि यहाँ पर छात्रों ने क्या क्या अपनी प्रतिक्रिया दी है। जब ऐसे प्रश्नों का उत्तर देना है तो पेट का पेपर UPSC से कराना चाहिए, ना कि UPSC पेट का बहिष्कार करो, ठीक है। सोचा था UPSC पेट कर देकर लेखपाल बनूंगा लेकिन UPSC पेट ने तो लल्लू पाल बना दिया। तो आप देख सकते हैं छात्राओं के मन में कितना रोष है, और जब आपके ज़िले से 250-300 किलोमीटर दूर सेंटर दिया जाएगा, ऐसी जगह सेंटर जहाँ पर कोई सुविधाएँ नहीं है, छात्रों को रात में ठहरने की सुविधा नहीं है, एक तो डेंगू का प्रकोप काफ़ी बड़ा हुआ है, इसको भी ध्यान में रखते हुए कोई यहाँ पर एहतियात नहीं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब तो डर लगता है कि आयोग पूछेगा भारत में पहली ट्रेन मुंबई से थाने के बीच चली है, उसकी स्पीड बताओ। कुछ छात्रों ने कमेंट किया कि भाई उसमें कितने पहिए लगे थे, कौन सा व्यक्ति पहली बार उसमें टॉयलेट में गया था, ये भी प्रश्न पूछ सकता है। तो ये कमेंट करने को मजबूर यहाँ पर छात्रों के बीच में ये भय क्यों है, क्यों ऐसा कहा जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये जो कमेंट है, और यहाँ पर देख सकते हैं कि एक छात्र ने कमेंट किया कि मैंने बहुत मेहनत किया लेकिन अफसोस आयोग DI में भी टाइम एंड वर्क प्रॉफिट लॉस सब दे दिया था
और तो जीएस ऐसा कि गूगल भी नहीं बता पा रहा था। ठीक है, सरकारी नौकरी सरकार से भीख नहीं मांग रहे, अपनी योग्यता एकदम पर हासिल करना चाहते हैं, यदि हम सरकार कुर्सी पर बैठा सकते हैं तो। हालांकि चलिए अपनी अपनी सोच है, लेकिन यहाँ पर ये जो कहना चाहते हैं, जो कमेंट्स हैं, ये एक अपने आप में बानगी है कि कहने का मतलब कि छात्राओं में किस तरीके से आयोग को लेकर यहाँ पर एक रोष सा है। और छात्रों की मांग है कि पेट इस भर्ती को, इस एग्ज़ाम को बंद कर देना चाहिए, छात्रों का मजाक बनाया जा रहा है। और एक चीज़ यहाँ पर देख सकते हैं, एक छात्र ने, अजीत सिंह नाम के छात्र ने, एक पूरा शेड्यूल ले किया कि सुबह 4 बजे जागना है, 5 बजे ये मैं बोल भी नहीं सकता हूँ, कुल्ला करना, नहाना, लंगोट बदलना, 9 बजे खाना, 10 बजे फिर से .. ठीक है, नेक्स्ट टाइम लंगोट का ब्रांड पूछेगा गांधी जी ने कौन सा ब्रांड लंगोट का पहना था। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, एक छात्र ने यहाँ तक कमेंट किया कि ऐसा पेपर तो IAS में भी नहीं आता, गांधी जी ने लंगोट कब प्रारंभ किया तो प्रश्न IAS वाले भी न बताए। बिल्कुल सही बात है, इस तरीके के प्रश्न, ये जो लेवल, जैसा मैंने कहा कि कोई टीचर अगर ऐसा पढ़ा दे तो आप टीचर पर आरोप लगा सकते हैं, टीचर कैसी वाहियात अश्लील बातें कर रहा है। ठीक है, ये लोगों बच्चों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, धोती पहनते थे गांधी जी, अब नीचे लंगोट था या चड्डी, ये कैसे आयोग जान गया। तो इस तरीके से देख सकते हैं, अब गांधी सेंगोल का डंडे का वजन पूछेगा, तो ये सब प्रश्न यहाँ पर है। अगले साल पेट में ये पूछा जाए, गांधी जी के लंगोट का रंग क्या था जिसको उन्होंने पहली बार पहना था, और उस लंगोट को कितने दिन बाद और कहाँ पर धोया था, और जिस पानी से धोया था वो पानी किस नदी से आ रहा था। तो देखिए कितने अच्छे तरीके से यहाँ रिसर्च कर करके यहाँ पर बच्चे अब सोच रहे, जाहिर सी बात है कि इस बार गांधी जी के लंगोट से जब प्रश्न आ सकता है, गांधी जी की धोती से भी प्रश्न आ सकता है, किस ब्रांड की धोती पहनते थे, है ना, और क्या चीज़ें उनके डंडे का वजन भी पूछा जा सकता है। ठीक है, चश्मे का ब्रांड पूछा जा सकता है, ये भी किया जा सकता है भाई, क्योंकि यहाँ पर जब ऐसे प्रश्न पूछेंगे जाहिर सी बात है कि ये सब बातें उठेंगी। और एक छात्र ने बहुत सही लिखा है, गांधी जी काफ़ी नाराज़ हैं आयोग से, उनका कहना है इतना प्राइवेट चीज़ों पर क्या जाने की जरूरत थी, इतने सारे आंदोलन किए, भूख हड़ताल किया, बार बार जेल गया, बहुत सारी किताब लिखी, देश की आज़ादी का नेतृत्व किया, इस पर सवाल जवाब होना चाहिए। गांधी जी ने इतने आंदोलन किए, जाहिर सी बात है स्वतंत्रता आंदोलन में 1857 प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से लेकर अगर देखा जाए, इतनी घटनाएं घटी हैं, इतने संगठन बने, इतनी किताबें लिखी गईं, इतने बलिदान हुए, उस पर कोई क्वेश्चन है जो कि GS का कोर होता है, क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जा रहे हैं कि आप लेवल देख ही सकते हैं कि लड़का क्या हर सब्जेक्ट में PhD करके आएगा, भी ऐसा नहीं है। तो ये एक बानगी है, क्योंकि ये चीज़ें कब होती हैं, जब अनएक्सपेक्टेड ये चीज़ें होती है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें हैं, बॉयकॉट UP SSC कुछ दिन बाद पूछेगा, गांधी जी अंडरवेयर के रंग की किस पहनते थे, तो इस तरीके से जब प्रश्न आएंगे तो जाहिर सी बात है आयोग को थोड़ा सा सुनना भी पड़ेगा कि ऐसे प्रश्न किस लेवल से और क्या मनसा के साथ जिस एग्जामिनर ने क्वेश्चन बनाया। हालांकि हमने भी गूगल किया भाई, देखो आप ये जान सकते हो कि कोई भी टीचर अगर कह दे कि हमें पहले से इसका जवाब पता था, वो टीचर झूठ बोल रहा है। हाँ, गूगल करने पर ये पता चला कि गांधी जी ने क्या 1921 में कोट पैंट त्याग करके ये धोती पहना है इन्होंने, तो उसी को अंग्रेजों ने धोती को अपने स्थानीय भाषा में लंगोट बोला, और लंगोट क्या होता है ये आप सब जानते हो, है ना, एक कहावत है लंगोटिया यार, है ना। तो इस शब्द को थोड़ा सा पढ़ने में भी हालांकि थोड़ा सही है, लेकिन यहाँ पर ऐसी चीज़ें अगर पढ़ाई जाने लगें, गांधी जी का लंगोट हो गया और सारी चीज़ें हो गई, तो कहाँ ये लेवल जा रहा है शिक्षा का, और कहाँ पर ये जो एग्जामिनर है बच्चों का क्या जानना चाह रहा है कि आजकल क्या जैसी YouTube पर पढ़ाई चल रही है, कोई भी आ रहा है वो कैसे कपड़े पहन के पढ़ा दे रहा है, तो क्या इसी तरीके से आयोग भी अब क्वेश्चन पूछेगा, लंगोट की बात करने लगेगा, तो इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो, और आप भी अपने विचार नीचे व्यक्त करिएगा जो भी है, और इस बात को आयोग तक जरूर पहुँचाएँ कि इस तरीके से प्रश्नों को ना बनाया जाए कि प्रश्न ना रहकर कुछ और हो जाए, और ताकि यहाँ पर देखा जाए तो इस प्रकार के प्रश्नों को अगर किसी IAS टॉपर को भी दे दिया जाए तो वो भी अपना माथा पीट लेगी, भाई हमने इसीलिए पढ़ाई किया, लंगोट की पढ़ाई भी अब पता चला कि किस किताब में लंगोट लिखा है, भाई चलो लंगोट पढ़े गांधी जी क्या लंगोट धारण करते थे, तो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो अभी के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो, आप अपने विचार जरूर बताइएगा, थैंक यू वेरी मच, चैनल को सबसे ज़्यादा आप वीडियो को शेयर करिए और लोगों तक पहुँचाइए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना प्रेस ना करिएगा, आपको एग्जामिनेशन संबंधित सभी जानकारी साथ ही साथ लेटेस्ट अपडेट और आपको इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मॉक टेस्ट आपको हम यहाँ पर देते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय।